केले का ठेला, बनाना कार्ट, एकलव्य की पुस्तक के सौजन्य से। केले का ठेला इंग्लिश में जिसको कहते हैं बनाना कार्ट, एक केले वाला केला बेच रहा है। केले का ठेला रोज आता है, द बनाना कार्ट कम्स एवरी डे। मैं भी लूँगा, आई विल बाय टू, 2 रुपए का एक, 1 बनाना फॉर 2 रुपीज। केला मुझे बहुत पसंद है, आई लव बनानाज। छिलका फेंक दिया, आई थ्रू द पील। अरे बाप रे, छोटी फिसल गई, ओ नो, छोटी हैज स्लिप्ड। अब छोटी सी एक मशहूर रचना, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, दुनिया के इंसानों की, आज की कल की एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों और बमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया लहलाती है, किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है। क्या तुम इस संसार में नहीं आना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। एक छोटा सा पत्र, रज़ा का पत्र। जब मैं छोटा था तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक दिन दोपहर बाद प्राथमिक शाला के मेरे अध्यापक ने शाला के बरामदे की दीवार पर एक बिंदु बनाया और मुझे बैठकर उस पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कई दशक बाद पेरिस में जब मैं अपनी कला के लिए कुछ भारतीय विचारों को तलाश रहा था तो बिंदु वापस आ गया। तब से एक बिंब के रूप में वह बार बार मेरी कला में उभरता है। मेरे लिए बिंदु एक स्थिर केंद्र है और ऊर्जा का स्रोत है। यह आरंभ है, यह अंत है। आपको पता भी ही नहीं चलता कि कोई चीज़ जो आपने बचपन में सीखी थी वह बाद में कब और कैसे आपके पास वापस चली आएगी, आपको नया कर देगी, आपको एक नई दिशा देगी। धन्यवाद।